हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ निखिल कौशिक। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ ऐसे फोटोग्राफी ऐप्स जिससे आप DSLR जैसी जो है कमाल की फ़ोटोज़ खींच सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो फ्रेंड्स, आते हैं अपने सबसे पहले ऐप पर जिसका नाम है स्नैप कैमरा। स्नैप कैमरा में आपको एक DSLR जैसा जो है वो डायलर मिल जाता है और DSLR जैसी पूरी लुक आती है। और इसमें आपको अलग अलग नाइट मोड, पोर्ट्रेट मोड और मैक्रो मोड भी मिल जाता है। मैक्रो मोड बहुत ही कम जो है वो स्मार्टफोन्स पे अवेलेबल होता है, लेकिन आप इसे आपको डाउनलोड करके उसे भी पा सकते हैं। इसमें आपको अलग अलग जो है DSLR जैसी भी सेटिंग्स मिल जाती है। जैसे इसमें ये पूरा DSLR जैसे इनबिल्ट कैमरा है। अगर आप DSLR नहीं खरीद पा रहे हैं तो आप इस ऐप को ज़रूर यूज़ कीजिए, फिर आपको इस ऐप को यूज़ करने में और फ़ोटो खींचने में ज़्यादा मज़ा आएगा। और इसके बाद इसकी सेटिंग्स में जाते हैं जिसमें आपको पिक्चर साइज़ जो है वो मिल जाता है। आप इसमें फास्ट पिक्चर जैसे कोई बॉलिंग कर रहा है वैसे फ़ोटो खींच सकते हैं। और इसके बाद इसमें बर्स्ट मोड मिल जाता है जिससे आप DSLR जैसी जो DSLR में होते हैं बस मोड काफ़ी ज़्यादा इमेजेस ले सकते हैं। इसमें आपको मैटरिंग एरिया मिल जाता है और एंटी बैंडिंग भी मिल जाती है। इसमें आप ISO जो है कर सकते हैं, ब्राइटनेस और कंट्रास्ट का भी जो है वो मिल जाता है। इसमें आपको एक बस मोड भी तो है जो है वो भी आपको मिल जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ, बस मोड में आप अलग अलग जो है वो शॉट्स ले सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 3 शॉट्स किया और अगर मैं जो है फ़ोटो लूँगा 3 शॉट्स आ जाएंगे। काफ़ी कमाल का ऐप है ये दोस्तों। अगला ऐप है दोस्तों सिनेमा FV5 Lite। ये FV5 नहीं है, FV5 वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए यूज़ होता है। और ये एक कैमरा है जिसका एकदम बेसिक सा यूज़ है। इसमें आपको जो है वाइट बैलेंस ले सकते हैं और ISO भी जो है आप आगे पीछे कर सकते हैं। इसमें लाइट मैट्रिक मोड भी मिल जाता है कि आप कैसी फ़ोटो खींचना चाहते हैं। और ऑटो फोकस कर सकते हैं, इन्फिनिटी फोकस और लॉक भी कर सकते हैं आप फोकस। जैसे मैं अभी यहाँ लॉक करता हूँ फोकस, आप देख पाएंगे जो मेरी फिंगर है वो फोकस में और जो पीछे का है और वो वहीं रहेगा। और आते दोस्तों इसमें आपको AWB यानी लाइट बैलेंस भी मिल जाता है। इसमें आपको क्लाउडी कर सकते हैं आप और फ्लोरोसेंट, जहाँ पर भी आप फोटो खींच रहे उसके हिसाब से जो है आप लाइटनिंग इफेक्ट डाल सकते हैं। दोस्तों देखते हैं इसकी सेटिंग्स क्या हैं। सेटिंग्स में आपको जो है वो मिल जाता है। और दोस्तों सेटिंग्स में देखते हैं, सेटिंग्स में आपको जो है इमेज रेजोल्यूशन मिल जाती है। इमेज रेजोल्यूशन से आप देख पाएंगे, आप उसे हाई डेफिनेशन करके रखें तो ज़्यादा अच्छी इमेज आएगी और लो डेफिनेशन कौन करना चाहेगा भला। और इसमें इसके बाद आप जो है लॉन्ग एक्सपोजर रेजोल्यूशन भी कर सकते हैं, जैसे आप ये फ़ोटो देख रहे हैं। और इसके बाद ऑटो बैंडिंग जो उसमें भी था और इसमें भी है। और इसमें आप जो है फाइल फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हैं, JPEG या PNG कर सकते हैं, और कोई ऑप्शन नहीं है। और काफ़ी कमाल का ऐप है, लेकिन बहुत बेसिक सा ऐप है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आते हैं अपने अगले ऐप पर जिसका नाम है ओपन कैमरा। ओपन कैमरा काफ़ी कमाल का ऐप है और ये सबसे बड़ी खासियत है कि इस ये जो ऐप है ये आपको 1.5 MB का मिल जाता है। और इसमें आपको एक्सपोजर जो है वो भी सेट कर सकते हैं, फ़ोटो मोड मिल जाता है आपको, और आपको फ्लैश करनी है वो तो हर एक सिंपल हो जाता है। और फोकस लॉक भी कर सकते हैं जैसा कि मैंने आपको स्नैप कैमरा में भी दिखाया था। कैमरा रेजोल्यूशन भी कर सकते हैं, वाइट बैलेंस जो है आप वो भी चूज़ कर सकते हैं, फ्लोरोसेंट या फिर क्लाउडी। और इसके बाद सीन मोड आता है दोस्तों। और अब मैं आपको बताऊं कि इसमें आपको और भी बहुत सारी जो है कलर इफेक्ट इसमें नेगेटिव मिल जाता है आपको, और जो भी आप चाहते हैं जैसे भी आप फ़ोटो चाहते हैं वो इसमें आ जाती है। और इसमें बहुत सारे जो है वो सेटिंग्स के ऑप्शन भी हैं। देखते हैं इसके जो सेटिंग्स है वो क्या है। फोटो मोड में आपको जो है एक्सपोजर ब्रैकेटिंग जो है वो भी आपको मिल जाती है यहाँ पर। और इसकी सेटिंग्स में जाकर देखते हैं, इसकी जो फोटो सेटिंग्स है इसमें आपको दोस्तों इमेज क्वालिटी मिल जाती है। अगर आप करना चाहो तो हाई डेफिनेशन 70% 100% तक मिल जाती है।
मैं यहाँ 100% कर देता हूँ। और इसके बाद जो है दोस्तों आपको यहाँ पे स्टैम्प फोटोज़ मिल जाती हैं, फ्रंट कैमरा मिरर मिल जाता है, एक्सपोजर जो है वो अभी आप ब्रैकेटिंग से स्टॉप कर सकते हैं। स्टैम्प फोटोज़ में स्टैम्प फोटोज़ आपको मिल जाती है, कस्टम टेक्स्ट है और इसमें बहुत सारे जो है वो सेटिंग्स हैं। काफ़ी कमाल का ऐप है। जैसे मैंने आपको कहा था डेट स्टैम्प, जैसे आपने देखा होगा जो भी DSLR से फ़ोटो खींचते हैं उसमें नीचे जब भी आप प्रिंट डेवलप करवाते हैं नीचे जो है वो डेट एंड टाइम लिखा होता है, इसमें भी वो आपको जो है वो ऑप्शन मिल जाता है और आपको अलग से एडिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ, एक फ़ोटो खींच के दिखाता हूँ मैं आपको इस ऐप से। तो दोस्तों आप देख पाएंगे जो मैंने जो फ़ोटो खींची है मैं उसको ओपन करके आपको दिखा देता हूँ कि उसमें डेट एंड टाइम आ रहा है और वैसा इफ़ेक्ट आ रहा है कि जैसे कैमरा में आ रहा है। तो आप दोस्तों देख पाएंगे यहाँ पे डेट है और टाइम भी जो है वो आ चुका है, जो कि काफ़ी कमाल लगता है और कूल भी लगता है। ये भी बहुत कमाल का ऐप है, बस इसकी ये बात है इसकी स्पेस कम है। तो दोस्तों आते हैं अपने लास्ट ऐप पर जिसका नाम है गूगल कैमरा। गूगल कैमरा काफ़ी कमाल का ऐप है लेकिन ये आपको जो है प्ले स्टोर पर नहीं मिलता, इसलिए मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसमें खास बात है कि लेंस ब्लर जो है वो मिल जाता है, जैसा कि दोस्तों मैं इस बॉल को जो है फोकस में रखता हूँ और फोटो क्लिक करता हूँ तो अगर मैं इसमें सेटिंग्स होती है अगर आप इसको हल्का सा ऊपर करेंगे तो इसकी जो इमेज है वो ब्लर होनी जो है वो शुरू हो जाती है। मैं आपको फ़ोटो दिखाता हूँ, अभी प्रोसेसिंग कर रहा है और रेंडरिंग भी करेगा। तो दोस्तों रेंडरिंग करने के बाद आप इस इमेज को देख सकते हैं कि जो पीछे का बैकग्राउंड है वो ब्लर है और जो बॉल है वो फोकस में आ चुकी है। काफ़ी कमाल का ऐप है, इसमें आपको ग्रिड लाइंस भी हैं वो अलग अलग जो मिल जाती हैं। काफ़ी बेसिक सा ऐप है लेकिन इसकी खासियत है कि इसमें आपको लेंस ब्लर मिल जाता है जिससे आपका जो बैकग्राउंड है वो काफ़ी ब्लर दिखता है। तो दोस्तों ये थी मेरी वीडियो, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। That I'm at an all time low.